मैं रश्मि आपका रे किचन में स्वागत करती हूँ। मार्केट में बहुत ज्यादा मेथी की सब्जी नजर आ रही है, इसलिए हम मेथी की सब्जी घर पे रख के बना तो ले रहते हैं, पर जो सब्जी बच जाती है उसे दूसरे दिन खाना सबसे ज्यादा बोरिंग चीज है। कोई घर का मेंबर जो है वो खाना पसंद नहीं करता, क्योंकि एक तो वो कड़वी भी होती है। तो आज मैं आपको उसी बची हुई मेथी की सब्जी से एक बहुत ही बढ़िया नाश्ता बताने वाली हूँ, जो कि कुरकुरा तो है ही, साथ ही में बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी है। बची हुई सब्जी से बहुत ही बढ़िया नाश्ता बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास चना दाल, उड़द दाल और पीली मूंग दाल है। ये 1 कप चना दाल मैंने ली थी, जिसे मैंने पानी में अच्छे से धोकर रात भर भिगो के रखा था। आप देख सकते हैं ये अब अच्छे से फूल गई है। उसी तरह से उड़द दाल भी मैंने 2 बड़े चम्मच ली थी, इसे भी मैंने रात भर भिगो के रखा था, तो ये भी सॉफ्ट हो गई है। और यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मूंग दाल है, तो रेशो आप ध्यान रखें, मूंग दाल और उड़द दाल आपको 2 बड़े चम्मच लेने हैं और चना दाल आपको 1 कप लेना है। तो अब हम करेंगे ये कि इनका जो पानी है उसे हम छान लेंगे, क्योंकि हमें पानी नहीं चाहिए। मिक्सी के जार में हम इन तीनों दालों को डाल देंगे, मेक श्योर कि इसमें पानी ना रहे। आप चाहो तो सिर्फ चना दाल से भी इसे बना सकते हैं, मगर ये सारी दालें होने के वजह से ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, साथ में सॉफ्ट भी रहेंगे, और सारी दालें होने के वजह से ये थोड़े हेल्दी भी हो जाते हैं। यहाँ मेरे पास 1 कटी हुई हरी मिर्च और 2 लाल सूखी मिर्च है। आप चाहो तो कोई भी एक मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर 2 मिर्च को ले रही हूँ, जिससे कि एक अलग सा तीखापन मिलेगा। तो अब हम इसमें बिना पानी डाले इसे ऐसे ही दरदरा पीस लेते हैं। ये देखिए, इसे मैंने दरदरा पीस लिया है, बट इसी दरदरेपन से आपको इस रेसिपी में क्रंचीनेस मिलेगा, साथ ही में जब आप इसे खाओगे तो जो दाल आपके मुंह में आएगी वो एक अलग सा फ्लेवर भी देगी। तो इस पेस्ट को जो है मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें फ्लेवर ऐड करेंगे। चुटकी भर हींग डालेंगे, क्योंकि हमने दालों का इस्तेमाल किया है तो हींग बहुत ज़रूरी है। 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, यहाँ मेरे पास 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स है। इसे हम इस तरह से हाथों से मसल कर डालेंगे, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है और भी उबर कर आए, और दालों के साथ अजवाइन का फ्लेवर काफ़ी बढ़िया जाता है। 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 8 से 10 करी पत्ते जिसे मैंने छोटा छोटा काट कर लिया था। इसे इस तरह से डालने से खाते समय ये आपके दांतों में नहीं आएंगे। 1/2 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1/2 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास रात की बची हुई मेथी की सब्जी है, ये लगभग 1/2 कप इतनी है। आप कोई भी हरे पत्ते वाली सब्जी ले सकते हैं, तो इस सब्जी को भी हम एज इट इज़ इसमें डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, बट नमक जो है सोच समझ कर डालेंगे, क्योंकि सब्जी में भी हमने नमक डाला है। साथ ही में 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे प्याज जो है उसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि सब्जी में भी हम प्याज का इस्तेमाल करते ही हैं, बट मैंने यहाँ पे कच्चा प्याज भी डाला है, क्योंकि वो भी फ्लेवर तो देगा ही, साथ ही में उसके वजह से क्रंचीनेस भी मिलेगा। तो ये देखिए, हमारा जो मिक्सचर है अच्छे से मिक्स करके बनकर रेडी है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने गैस पर तेल को गर्म करने रखा था। तो यहाँ पर आपको टिप ऐसी है कि आपको इस तरह का कोई भी स्नैक्स बनाना हो तो आपका जो तेल है वो अच्छा गर्म होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके जो स्नैक्स हैं वो परफेक्ट बनेंगे, क्रिस्पी भी बनेंगे और साथ ही में वो ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनेंगे। तो चलिए तेल को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, बबल्स आने लगे हैं, यानी हमारा जो तेल है वो अच्छा गर्म हो गया है। तो अब हम करेंगे कि आंच को जो है हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और अब हम वड़ा बना लेते हैं। यहाँ मैंने एक छोटे से बाउल में पानी लिया है, तो इस तरह से हम हाथों को हल्का सा गीला करेंगे, जिससे कि जो मिक्सर है वो हमारे हाथों में चिपके नहीं। और थोड़ा सा मिक्सर लेकर इस तरह से हम बॉल बना लेंगे और फिर इसे चपटा करके बीच में होल बना देंगे। और ये जो वड़ा हमने बनाया इसे हम धीरे से तेल में छोड़ देंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी के भी जो वड़े हैं उन्हें बना लेते हैं। एक समय में आपके पैन में या फिर आपके कढ़ाई में जितने आए आप उतने फ्राई करें। इसे हम पलटने के लिए इस तरह के कांटे के चम्मच का इस्तेमाल करेंगे। इससे होगा ये कि आपके जो वड़े बहुत ही आसानी से अलट पलट जाते हैं, साथ ही में इनके जो टूटने के चांसेस हैं वो भी कम होते हैं।
आपको लग रहा होगा ये वड़े जो है डीप फ्राइड है तो ये कैसे मतलब हेल्दी होंगे, ये बहुत ज़्यादा ऑयली होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तेल जो है वो सोखते भी नहीं है, ये एक तो क्रिस्पी भी है, अंदर से सॉफ्टनेस भी है, तो एक अलग ही मज़ा देते हैं। तो ये देखिए एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन इसके ऊपर आ गया है, दिखने में भी ये बिल्कुल क्रंची लग रहे हैं। तो इन्हें मैं झारे के चम्मच में निकाल कर आपको बताती हूँ, देखते ही खाने का मन कर रहा है ना। हाँ, तो इसी तरह से फटाफट बाकी के वड़े भी फटाफट फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बची हुई मेथी की सब्ज़ी को हमने एक नया लुक दे दिया है। इसमें आपको मेथी की सब्ज़ी भी नज़र आ रही होगी, आपको दाल भी नज़र आ रही होगी, साथ ही में हमने जो लाल मिर्च डाली है वो भी सारी चीज़ें अच्छे से नज़र आ रही है। तो ये खाने में बहुत ही कुरकुरे है, और जैसे कि मैंने कहा है कि ये बिल्कुल ड्राई है, तो देखिए बिल्कुल हाथों में तेल भी नहीं लगा है, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो इन वड़ों को आप ज़रूर बनाएं, और इन्हें आप गर्मा गर्म हरी चटनी के साथ परोसे, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को बनाएं और बताएं कैसे बनी थी। अगर आपको मेरी इस बची हुई सब्जी का आइडिया पसंद आया तो प्लीज़ इस रेसिपी को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही में इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स परिवार और सोशल साइट पे जरूर शेयर कीजिएगा। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही में बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।